जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सपने तो सभी लोगों को आते हैं। आप लोग भी सपने देखते होंगे, पर कुछ सपने अच्छे होते हैं और कुछ सपने बुरे होते हैं। कुछ सपनों का अर्थ शुभ होता है और कुछ सपनों का अर्थ अशुभ भी होता है। पर क्या आप जानते हैं कि किन तरह के सपनों का फल शुभ और किन तरह के सपनों का फल अशुभ होता है? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सपने अशुभ माने जाते हैं और कैसे सपने शुभ माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी परिजन की मृत्यु देखता है तो वह अवश्य ही इसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर यह समझने लगते हैं कि भविष्य में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। वह यह सपने को अशुभ मान लेते हैं और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों को शुभ माना गया है। ऐसा सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपने सपने में जिस व्यक्ति की मृत्यु देखी है उसकी आयु लंबी होने वाली है। वही सपने में खुद को आत्महत्या करने का देखने का अर्थ यह भी है कि आपकी उम्र भी बढ़ गई है। यदि हम सपने में किसी परिजन की मृत्यु देखते हैं तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे सपनों का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो गई है। तो यदि आपको भी इस तरह का सपना आता है तो इस सपने को शुभ मानिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सपने शुभ माने जाते हैं। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राधे।